गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं UPSC हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। इन्हें 25 अलग अलग आयामों से पूछे जाते हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 23वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न मधुबनी पेंटिंग के बारे में है। प्रश्न क्या कहता है? मधुबनी पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। इसी प्रश्न के उत्तर को खोजते खोजते हम मधुबनी पेंटिंग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसके बारे में जो भी नॉलेज हो सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। पहला कथन क्या कहता है? यह बिहार में लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है और टहनी, उंगलियों, ब्रश और यहाँ तक कि माचिस की तीलियों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग जिसे पारंपरिक रूप से वर्तमान बिहार के मधुबनी क्षेत्र में किया जाता था, उसको चित्रकारी करने के लिए टहनियों का उपयोग किया जाता था, उंगलियों का उपयोग किया जाता था या फिर ब्रश का उपयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने अपनी ज़रूरतों को बदल लिया, अब माचिस की तीली से भी मधुबनी पेंटिंग की जाती है। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है? इसे 2006 में प्रतिष्ठित GI मतलब भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया था। ये जानकारी भी बिल्कुल सही है। भौगोलिक संकेत ऐसे पहचान होते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में उत्पन्न किए जाने वाले या फिर निर्मित किए जाने वाले वस्तुओं को दिया जाता है। तो मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला क्षेत्र में एक भौगोलिक संकेत का नाम पहचान दिया गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आपने यहाँ पर दो जानकारियाँ समझ ली, जान ली, प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। अब हम जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का। आप इस खूबसूरत चित्र को देख सकते हैं। अगर हम बात करें मधुबनी का तो इसका मतलब होता है शहद का जंगल। इसे आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका जो अवशेष है वो रामायण में मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सी चित्रकारी है जिसके कला के रूप रामायण में देखे जाते हैं, तो आप कहेंगे कि ये मधुबनी था। ये वर्तमान बिहार के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसे मिथिला चित्रकारी भी कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। एक अन्य बात जो इसके बारे में है कि पारंपरिक रूप से इस चित्रकारी को करने के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ पुरुषों ने भी इसे अपना लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसे जनजातीय रूपांकन यानी कि जो जनजातियाँ हुआ करती थीं उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था और या फिर आज भी किया जाता है। इसमें चमकीली मिट्टी के रंगों का उपयोग किया जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं और नीचे पर उससे जुड़े हुए स्थल का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि ये किसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में आप नीचे के ऑप्शन को देखेंगे। नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क और डिब्रू सिखाओ राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जानकारी क्या है। सबसे पहले बताता है कि यह असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम में क्या है? मानस भी है, काजीरंगा भी है, डिब्रू सिखाओ भी है, तो ये तो थोड़ा टफ हो जाता है। आगे क्या कहता है? यह उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ा दलदल का जंगल है। ये डिब्रू सिखाओ के बारे में बता रहा है। डिब्रू सिखाओ एक ऐसा क्षेत्र में फैला हुआ है जो ज़्यादातर हिस्सा दलदल के रूप में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे कहता है, आमतौर पर शुष्क सर्दियाँ और उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। शुष्क सर्दियाँ और उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो काजीरंगा में भी है और मानस में भी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दलदल वाला हिस्सा है वो डिब्रू सिखाओ में है। यही जानकारी के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर निकालना था। इस प्रकार के प्रश्न UPSC पूछती है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप मैप के माध्यम से देखें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, असम का ये मैप है, उसके इस हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल दक्षिण में डिब्रू सिखाओ है। एक अन्य बात जिसे आपको याद रखना है, जो UPSC प्रश्न पूछती है
उसमें से ये कि डिब्रू सिखाव जो है वो एक अर्ध सदाबहार पर्णपाती दलदलीय और सदाबहार आर्द्र सदाबहार वनों के आसपास फैला हुआ है। मतलब यहाँ पर जो वृक्ष के प्रकार पाए जाते हैं, यहाँ की जो जलवायु पाई जाती है वो ऐसी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, यही प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर है, ये आप देख सकते हैं। अगला, इस रिजर्व के आसपास गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लेकिन यहाँ पर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है, तो इस जानकारी को भी आप याद रखेंगे। बाकी जानकारियाँ पूछी जाती हैं तो आप आसानी से उत्तर निकाल लेंगे। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि फ्रेंड्स, एनजीटी ने, जो कि पर्यावरण, मतलब एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय, इंडियन ऑयल लिमिटेड और दो अन्य संस्थानों को कुछ गाइडलाइन जारी किया है और कहा है कि जो डिब्रू सिखाव का क्षेत्र है वहाँ पर जो आपने 7 कुआं तेल के ड्रिल करके रखा है उसके लिए आपको अनुमति कहाँ से मिली और किस प्रकार से आपने अनुमति लिया, इसको आप क्लियर कीजिए, ऐसा करके पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड, इससे पहले जो एनजीटी थी उन्हीं के द्वारा असम का जो दिहांग दिबांग पटकई टाइगर रिजर्व है उसके अंदर भी इसी प्रकार के कोल फील्ड, जो कि कोयले का एक क्षेत्र है, वहाँ पर अवैध कोयला खनन के आरोप में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी फिर से एनजीटी ने इसी प्रकार का कार्य किया है तो हो सकता है कि ये पूछा जाए, तो आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है? लोनार झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं आपको लोनार झील के बारे में, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कहता है यह एक कालडेरा झील है। कालडेरा झील का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद कुछ समय के बाद ये जो ज्वालामुखी होती है वो सुप्त हो जाती है, मतलब सुस्त हो जाती है, यहाँ से उद्गार नहीं होता, तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। अगर समय के साथ यहाँ पर पानी जमा हो जाए तो इस वाले हिस्से को कालडेरा कहा जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो लोनार झील है जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है, क्या वो कालडेरा झील है? जी नहीं, ये गलत है। तो ये कालडेरा झील नहीं है, आपने इसे जान लिया, पहला गलत हो जाता है। दूसरा क्या कहता है? यह प्लेस्टोनिक काल के दौरान बनाई गई एक खारे पानी का झील है, ये बिल्कुल सही है। लोनार झील का जो निर्माण है वो प्लेस्टोनिक काल के दौरान ही हुआ था और वर्तमान में ये एक खारे पानी का झील है, तो आपको काल भी याद रखना है और वो खारे पानी का झील है वो भी याद रखना है। सही पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका निर्माण कैसे हुआ था? फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है ना वो एक उल्का पिंड के गिरने के वजह से हुआ था, ठीक है, उसे आप ध्यान रखें। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि फ्रेंड्स, जून महीने में क्या हुआ था कि जो लोनार झील है उसका रंग ऐसा परिवर्तित हो गया था, वर्तमान में ऐसा है और इससे पहले, मतलब जून से पहले भी ऐसा ही रंग था, तो ये इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आपको याद रखना है। सबसे पहले, इसको सबसे पहले कब नोटिफाई किया गया था? 1823 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी थे अलेक्जेंडर, उनके द्वारा इसे पहचाना गया था। ये महाराष्ट्र में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील कहने का मतलब जब किसी क्षेत्र में उल्का पिंड गिर जाते हैं उसके बाद वहाँ जो जगह बन जाता है और उस जगह में पानी के जमा हो जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसको क्रेटर झील कहा जाता है। अगला जो जानकारी है जिसे आपको याद रखना है वो बेसोल्टिक चट्टानों से निर्मित स्थल पर है, ये याद रखेंगे। अगला, 1979 में इस स्थल को भू विरासत स्थल के रूप में दर्जा दिया जा चुका है, मतलब इसको संरक्षित किया जा रहा है अब। लेकिन जो एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसका जो रंग परिवर्तन हुआ था वो क्यों हुआ था? तो फ्रेंड्स, दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि लवणीय जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है हेलोफिलिक आर्किया और दूसरा का नाम है हेलो आर्किया।
इसी बैक्टीरिया के वजह से इसका जो रंग है, इस झील का जो रंग है वो परिवर्तित हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं मुख्य रूप से जहाँ ज़्यादा लवणता और जहाँ ज़्यादा क्षारीयता होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसका रंग गुलाबी हो गया था, इसका रंग परिवर्तित हो गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अब नहीं होगा, मतलब इसका जो वास्तविक रंग है वो बना रहेगा या फिर नहीं लौटेगा वास्तविक रंग, ऐसा पूछा जाए तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ क्या होंगे कि इन बैक्टीरिया जो होंगे ना वो उनके तल पर बैठ जाएंगे, और जब ये उनके तल पर बैठ जाएंगे तो उसके ऊपरी रंग जो है, जो वास्तविक रंग है, जो पानी का ब्लू कलर होता है, वो फिर से लौट आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के जो होते हैं, जो गतिविधियाँ होती हैं इस प्रकार का, वो क्यों होता है? ये अभी इसलिए हुआ है क्योंकि वर्षा की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वर्षा की कमी हो गई है, तापमान में वृद्धि हो गया है, और उस क्षेत्र में मानव के द्वारा जो लवणता में वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उससे लगातार उस झील का पीएच वैल्यू क्षारीयता की ओर बढ़ती जा रही है और लवणता भी बढ़ता जा रहा है। यही वो कारण है जिसकी वजह से उसका पानी में बैक्टीरिया हेलो आर्किया जो बैक्टीरिया था उसका उत्सर्जन होता है, तेजी से वो बढ़ने लगते हैं और अंततः क्या होता है, उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो प्रश्न पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में समाचारों में रहे इंडियन बुल फ्रॉग किसकी प्रजाति है? आपके दिए गए ऑप्शन में विदेशी घास की प्रजाति, मेंढक की प्रजाति, देसी बैल, नई खोजी गई घास की प्रजाति। यहाँ पर देखिए, पहला में कह रहा है विदेशी घास की प्रजाति और लास्ट में क्या कह रहा है, नई खोजी गई घास की प्रजाति। फ्रेंड्स, आपको इसको देख के लग रहा होगा बुल मतलब बैल, ऐसा नहीं है। इंडियन बुल फ्रॉग जो है ना वो एक मेंढक की प्रजाति है जो मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दक्षिण मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मेंढक का प्रजाति है। ठीक, ये मुख्य रूप से जो मानसून का काल आता है उस समय ये प्रजनन करते हैं, और एक अन्य बात कि ये अपने रंग को उस काल में परिवर्तित कर लेते हैं। जब ये प्रजनन करने के लिए समय आता है इनका, तो उस समय ये अपने रंग को परिवर्तित कर लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये जोर से टर टर करके आवाज़ करते हैं अपनी मादाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एक अन्य बात, अगर ये पूछा जाए कि केवल ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि जी नहीं, ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में तो है ही, लेकिन ये दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब थाईलैंड वियतनाम वाले पूरे इलाके में पाए जाएंगे। ठीक है, इनकी संख्या अच्छी खासी है, इनकी संख्या की कमी है ऐसा नहीं है। तो ये इसी वजह से IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत इनको लिस्ट कंसर्न यानी कि कम चिंताजनक, इनकी जनसंख्या अभी है तो इसलिए इस रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 4 के अंतर्गत भी इसे सूचीबद्ध किया गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब तीन जनजातियों के नाम दिए गए हैं और उसके ठीक समकक्ष लिखा गया है राज्य का नाम। आपको बताना है कि जो जनजाति है वो उस राज्य में रहता है या फिर नहीं। रियांग इसके बारे में बताता है, ये त्रिपुरा में है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, रियांग। इसी जनजाति को ब्रू जनजाति भी कहा जाता है, और ब्रू जनजाति ने जो है ना उसी को लेकर अभी ये न्यूज़ में भी है। क्योंकि क्या हुआ है, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या फिर जो मैगजीन आप पढ़े होंगे इससे पहले उसमें देखा होगा कि त्रिपुरा की सरकार, मिजोरम की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार, इन तीनों के बीच में एक संवाद हुआ और गजब का कम्युनिकेशन देखा गया। उसके बाद 1997 में यानी कि 1997 में मिजोरम में ब्रू जनजाति या फिर रियांग जो जनजाति थी उनके खिलाफ जबरदस्त हिंसा होता है। जो जनजाति थी मिजोरम के अंतर्गत, ब्रू जनजाति या तो रियांग जनजाति, वो उनकी आधी से ज़्यादा संख्या जो है ना वो त्रिपुरा में जाके बस जाती है और वहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रहती है, और वहाँ से ले जाकर अभी 2019 में अब वापस से जो ब्रू जनजाति थी उसको बसाया जाएगा कहाँ पर, मिजोरम में। ठीक है, तो ये पहला आपने कॉन्टेस्ट समझ लिया क्या है,
जो करेंट में क्यों था ये आपने समझ लिया, अभी ये इसलिए न्यूज में है, ये तो समझौता तो पहले हुआ था, लेकिन जो मिजोरम की सरकार है ना और वहां की जो जनजातियां हैं दूसरी जनजाति, उन लोगों ने कहा है कि ब्रू जनजाति को मिजोरम में कुछ नोटिफाई एरिया में ही बसने की अनुमति दी जाएगी और उनके जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण रखा जाएगा, मतलब कितने बच्चे पैदा करेंगे उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। तो ये मिजोरम की सरकार के द्वारा किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आगे बोलता है भूटिया सिक्किम में है, ये बिल्कुल सही है, पहला तो सही था ही। लेपचा के बारे में बताता है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है, लेपचा भी सिक्किम में ही पाए जाते हैं, सही पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा यहाँ पे कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है, जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है वो ये कि त्रिपुरा में लगभग 21 जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनमें से एक जनजाति ब्रू जनजाति है, ठीक है, और त्रिपुरा में सिर्फ ब्रू जनजाति पाई जाती है, 21 तो हैं ही, मिजोरम में भी ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ब्रू जनजाति जो है ना वो मिजोरम, असम का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर, और त्रिपुरा, इन तीनों इलाकों में पाई जाती हैं। ये बात आप याद रखेंगे, जो हिंसा हुआ था इन सबको आपने समझ लिया है। यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से आपको क्या रखना है, शेरपा, लेपचा और भूटिया, ये कहाँ पाए जाते हैं, सिक्किम में। संथाल, मुंडा, उरांव और हो, ये कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में, इसे आप याद रखेंगे। मिसी, मिसमी, डाफला और अबोर, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर, डिमिस, मिकिर भी अरुणाचल प्रदेश में। डिमास और ये सब जनजातियां जो है ना वो कहाँ पाई जाती हैं, असम में। बोडो भी असम में पाई जाती हैं। कुकी मणिपुर में पाई जाती है। माओ, लुइस, वो कहाँ पाई जाती हैं, ये मिजोरम में पाई जाती हैं। हमने अभी ब्रू के बारे में देख ही लिया। उसके बाद रियांग, ये त्रिपुरा में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, लेकिन मिजोरम और ये जो इस वाला इलाका है ना वहाँ पूरा का पूरा ये जनजातियाँ बिखरी हुई हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो जो कमज़ोर होता है उसको तो लोग आप जान रहे हैं क्या किया जाता है, तो यही उनके साथ भी हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है। उसके बाद जो और पूछा जाता है वो बंजारा पूछा जाता है, गोंड पूछा जाता है, कोल पूछा जाता है, भील पूछा जाता है, साहरिया पूछा जाता है और जम्मू कश्मीर की जनजातियाँ पूछी जाती हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। साउथ में भी डोडो, काबर, इनके बारे में पूछा जाता है, तो आप इसे एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ज़्यादातर चांस जो यूपीएससी के प्रश्न का होती है, जो करेंट में रहते हैं ना उन्हीं जनजातियों के बारे में पूछा जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।